साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं को भी मेरी सरकार गंभीरता से पूरे विश्व के सामने रख रही है। मेरी सरकार का साफ मानना है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब हम राजनीतिक और रणनीतिक रूप से सशक्त होंगे। इसलिए अपनी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण पर हम निरंतर बल दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की अनंत यात्रा अनंत गौरव से भरी हुई है। हमने लोकतंत्र को एक मानवीय संस्कार के रूप में विकसित किया है, समृद्ध किया है। अपने हजारों वर्षों के अतीत की तहत तरह ही आने वाली सदियों में भी भारत मानवीय सभ्यता को की अविरल धारा की तरह अनवरत गतिमान रहेगा। भारत का लोकतंत्र समृद्ध था, सशक्त था और आगे भी सशक्त होता रहेगा। भारत की जीवटना अमर थी, आगे भी अमर रहेगी। भारत का ज्ञान विज्ञान और आध्यात्म सदियों से विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है और आने वाली सदियों में भी विश्व की इसी तरह राह दिखा। भारत के आदर्श और मूल्य अंधकार से भरे गुलामी के दौर में भी अक्षुण्ण रहे हैं और ये आगे भी अक्षुण्ण बने रहेंगे। एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान अतीत में भी अमर थी और भविष्य में भी अमर रहेगी। लोकतंत्र के केंद्र इस संसद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लगने वाले लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करके दिखाएं। जो कल होना है उसे आज पूरा करने की कोशिश करें, जिसे दूसरे कोई आने वाले दिनों में करने के बारे में सोच रहा है उसे हम भारतवासी पहले करके देखें। आइए अपने लोकतंत्र को समृद्ध करते हुए हम उस वेद वाक्यों को आत्मसात करें जिसमें कहा गया है, सोंग गच्छोधो सोंग बदोधं सोंग बोहो मनांसी जानतम, अर्थात हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले, हमारे संकल्प स्तरों में एकता का प्रवाह हो और हमारे अंतःकरण एक दूसरे से जुड़े। आइए हम राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए संविधान की शपथ को पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।